28 अगस्त को सुपरटेक का ट्विन टावर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमरेल्ड के 240 मंजिला अवैध टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं कि एमरेल्ड कोर्ट में बनाए गए इन अवैध टावरों का पूरा मामला क्या है। नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में सुपरटेक बिल्डर को 17.29 एकड़ यानी लगभग 70,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। इस सेक्टर में एमरेल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण कराया गया था। हर एक टावर में 11 मंजिल बनाई गई। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने एक रिवाइज प्लान जमा कराया। इस प्लान के तहत एपेक्स और सियान नाम से जुड़वा टावर के लिए एफएआर खरीदा। बिल्डर ने दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर कराकर 40 फ्लोर के हिसाब से 950 फ्लैट बना दिए और 600 फ्लैट की बुकिंग भी कर दी गई। लेकिन दोनों टावरों के निर्माण के समय वहां पहले से रह रहे लोगों की सहमति भी नहीं ली गई और इनका निर्माण पार्क के रास्ते पर किया गया था, लिहाजा दोनों टावरों के बीच की दूरी कम होने से लोगों को रोशनी और हवा की परेशानी हो रही थी। गोयल साहब, कितनी लंबी लड़ाई रही? ये बिल्डिंग तो 32-34 फ्लोर तक पहुंच गई थी, तब से आप केस लड़ रहे थे इसका। 12 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। 12 साल से हम लड़ रहे हैं। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। कितना मुश्किल रहा सर? हाउ टफ इट वाज टू फाइट सच बिग पीपल, यू नो वी आर टू न्यू टू द आरडब्ल्यूए। अर्लियर ऑफिस बेयरर्स वर डूइंग ऑल दैट। मिस्टर तेवतिया वाज द मेन पर्सन हु वाज डूइंग इट। जब इस निर्माण को लेकर सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने नोएडा प्राधिकरण से टावरों के निर्माण के बारे में जानकारी मांगी तो उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद आरडब्ल्यूए ने मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में हाउसिंग सोसाइटी में नियमों के उल्लंघन पर दोनों टावरों को गिराने के आदेश दिए थे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।